हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स, आई एम शिल्पी डुडेजा। क्या आपने होम लोन लेकर मकान खरीद रखा है? क्या आपने अपने होम लोन का इंश्योरेंस करवा रखा है? जिस तरह की सिचुएशन आज है COVID-19 को देखते हुए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि होम लोन आपके लिए एक लायबिलिटी बन सकता है? लेकिन अगर आपने होम लोन का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि होम लोन इंश्योरेंस में COVID-19 जैसी बीमारियां भी कवर होती हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं और साथ ही आपको क्या करना है, देखिए आज के शो में। COVID-19 ने जैसे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है, वैसे ही देश विदेश में नौकरियां जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है और ऊपर से होम लोन का बर्डन है, तो थम जाइए, इस पूरे शो में बने रहें, क्योंकि आपके घर को सेफ रखने में हम आपकी मदद करेंगे। होम लोन इंश्योरेंस जॉब लॉस के सिचुएशन में भी काम करता है। किसी भी रीजन से जॉब चली जाए तो लोन इंश्योरेंस कंपनियां 3 महीने तक की EMI का पेमेंट करती हैं। और तो और, हम में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि COVID-19 जैसे पेंडेमिक भी होम लोन इंश्योरेंस कंपनी के दायरे में आते हैं। यानी सीधे तौर पर समझाते हैं, एक तरह से होम लोन लेने वाले इंसान की लाइफ को कवर कर देती है। हमारे देश की एक बड़ी पॉपुलेशन होम लोन के जरिए घर खरीदती है। होम लोन लेने के बाद अर्निंग्स का एक बड़ा पोर्शन EMI में देना पड़ता है। लेकिन जैसी सिचुएशन आज COVID-19 के बाद है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं होम लोन आपके और आपके परिवार के लिए मुसीबत का सबब तो नहीं बन गया है। होम लोन इंश्योरेंस ले रखा है और किसी वजह से होम लोन लेने वाले इंडिविजुअल की किसी बीमारी से मौत हो जाती है, तो बचा हुआ होम लोन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बैंक को रीपे करती है और इस वजह से आपके परिवार पर लोन रीपे करने का बर्डन नहीं पड़ता है। वैसे तो होम लोन इंश्योरेंस में कैंसर, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक जैसे सभी इवेंट्स कवर होते हैं। होम लोन इंश्योरेंस में आपके घर का नुकसान बिल्कुल भी कवर नहीं होता है। होम लोन प्रोटेक्शन प्लान को खरीदना जरूरी नहीं है। ना तो RBI और ना ही इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने लोन के साथ इसे खरीदने के लिए कोई नियम बनाया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स राय देते हैं कि इसे खरीदना फायदे का सौदा होता है। होम लोन पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ द बोरोअर। बोरोअर has to insure for himself against his life for the quantum of the loan taken by the person for purchase of home. There is some unforeseen things happen to that person who borrows and who gets himself insured, then bank to that extent will get the claim from the insurance company, and then the loan will not be required to be paid by him. इंश्योरेंस लेंडर अक्सर सिंगल प्रीमियम प्लान ऑफर करते हैं और इस प्लान के अंडर आपके प्रीमियम अमाउंट को होम लोन में जोड़ दिया जाता है, जिससे आपको महंगी EMI पेमेंट करनी होती है, जिससे आपकी EMI बढ़ जाती है। आप जिस बैंक से होम लोन लेते हैं, वो खुद लोन की मंजूरी देने के दौरान आपको प्रोटेक्शन कवर का ऑफर देते हैं। हालांकि ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसी बैंक से इंश्योरेंस कवर भी लें। आप मार्केट में रिसर्च के बाद बेहतर प्लान चूज कर सकते हैं। वैसे जनरली 3 तरह का होता है होम लोन इंश्योरेंस। पहला, रिड्यूसिंग कवर प्लान, होम लोन अमाउंट के साथ इंश्योरेंस कवर घटता चला जाता है। सेकंड, लेवल कवर प्लान, पूरे टेन्योर के दौरान इंश्योरेंस कवर सेम रहता है। थर्ड, हाइब्रिड कवर प्लान, पहले साल पूरा कवर रहता है और बाद में लोन के साथ ये घटता रहता है। होम लोन की रकम और टाइम पीरियड आपकी उम्र और कामकाज के साथ तय होता है कि इंश्योरेंस वैल्यू कितनी होगी और उसका प्रीमियम कितना होगा। आपकी आज की उम्र और फ्यूचर की एज भी इस पर इम्पैक्ट डालती है। अगर आपने 20 से 25 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए होम लोन इंश्योरेंस के लिए देने पड़ सकते हैं। आप चाहे तो ये रकम अलग से दें या लोन के टोटल अमाउंट में जुड़वा लें और उस हिसाब से ये आपकी EMI से कटता रहेगा। हालांकि एक बार फुल प्रीमियम देने वाले को सरेंडर की सुविधा भी कुछ शर्तों के साथ ही मिलती है। बैंक के साथ साथ इंश्योरेंस सर्विस देने वाली कंपनियां भी लोन प्रोटेक्शन प्लान के ऑफर देती हैं।
इसके अलावा होम लोन लेने पर टैक्स में भी कई फायदे मिलते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट पर टैक्स में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और प्रीमियम की पेमेंट करने पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट भी मिलती है। अगर आप अब तक इस 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो आप होम लोन प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस लेने की भी सोच सकते हैं। अगर जॉब लॉस होती है, इन केस ऑफ जॉब लॉस 3 महीने तक की इंश्योरेंस जो EMI है उसके बारे में वो रिलैक्स करेंगे, और COVID-19 भी क्रिटिकल इलनेस में आता है तो ये उसमें कवर करता है। एक्सीडेंट तो होता ही, एक्सीडेंट क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस चेक कर लें, जॉब लॉस चेक कर लें एक बार अच्छे से, मतलब लोन लेते समय, इंश्योरेंस कराते समय इंश्योरेंस पेपर को पढ़ लें, ये देख लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें पूरी होती है कि नहीं। आप ऐसा नहीं कि केवल दस्तखत कर लें और हो जाए बाद में, इंश्योरेंस कंपनी का ये नहीं कवर करता था, वो नहीं कवर करता था। अच्छे से इंश्योरेंस कराने से पहले अच्छे से सावधानी पूर्वक उन पेपर को पढ़ लेना बहुत जरूरी है, खासकर इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं। डेथ होने के बाद जो भी उनके सर्वाइवर हो, उनके उत्तराधिकारी हो, इसको इंश्योरेंस को पहले बैंक को सूचित करें, बैंक के सहायता से वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करें। बैंक इसमें मदद करेंगे, बैंक मीन्स लेंडर जिसने आपको लोन दे रखा है। अब आप ये कैसे चेक करें कि आपका होम लोन इंश्योरेंस COVID-19 को कवर करता है कि नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चेक करें कि होम लोन इंश्योरेंस कवर रिन्यू है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 5 साल के लिए होता है और इसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके अलावा चेक करें पूरा प्रीमियम आपने टाइम पर दिया है या नहीं, अगर नहीं तो आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। होम लोन को किसी और के नाम शिफ्ट करते हैं या इसे समय से पहले बंद करवाते हैं तो इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है। एक खास बात और, नेचुरल डेथ या सुसाइड के मामले होम लोन प्रोटेक्शन प्लान के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक से चेक कर सकते हैं कि किस तरह की बीमारियां आपके होम लोन इंश्योरेंस के कवर के दायरे में आती हैं। जब आप होम लोन लेते हैं आपको होम लोन इंश्योरेंस के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि जब भी आप होम लोन इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सभी तरह के टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि आपका होम लोन इंश्योरेंस कितने सालों के लिए है और उसमें किस तरह के इवेंट्स कवर किए जाते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन YouTube एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोज़।